नमस्कार, मनोदल श्रेया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजनीति से संबंधित पॉइंट टू पॉइंट। अपना नेक्स्ट वीडियो 11 वीडियो है, ये 11वां वीडियो है अपना। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो जो राजनीतिक शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई थी यूनान में। राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी तो राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी थी अरस्तू ने। नेक्स्ट आता है कि राज्य या स्टेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विचारक ने किया था। तो राज्य या स्टेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था मैकियावेली ने। नेक्स्ट आता है कि राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तू को। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो राजनीतिक विज्ञान क्या है, राज्य का विज्ञान है, यह कथन कहा था गेटेल ने। राजनीति को धूर्तों का अंतिम आश्रय मानने वाले विद्वान कौन थे, तो ये थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये मानते थे कि राजनीति क्या है, धूर्तों का अंतिम आश्रय है। नेक्स्ट अपना आता है कि जो विषय राज्य और सरकार की जानकारी हमें कराता है उसे कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। जो क्या काम करता है, हमें राज्य और सरकार दोनों की जानकारी हमें कराता है। नेक्स्ट है कि कैटलिन के अनुसार राजनीतिक विज्ञान क्या है। तो कैटलिन ने राजनीतिक विज्ञान को कला, दर्शन एवं विज्ञान माना है। ये तीनों चीज़ मानी है, कला, दर्शन और विज्ञान। नेक्स्ट है, राजनीतिक विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो गोडविन एवं मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट ने सबसे पहले राजनीतिक शब्द का प्रयोग किया था, गोडविन एवं मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट ने। नेक्स्ट है, राजनीति का विज्ञान होना तो दूर, यह तो कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है, यह कथन किसका है। तो ये कथन कहा था बक्कल ने। बक्कल ने क्या कहा कि राजनीति का विज्ञान होना तो दूर, यह तो कलाओं में भी क्या है, सबसे पिछड़ी हुई कला है, ये कहना था बक्कल का। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने राजनीतिक विज्ञान को मौसम विज्ञान के समान अनिश्चित विज्ञान माना है। तो मौसम विज्ञान के समान अनिश्चित मानने वाले वैज्ञानिक थे लॉर्ड ब्राहिश। नेक्स्ट है, जब मैंने परीक्षा के प्रश्न पत्र के शीर्षक राजनीतिक विज्ञान को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं वरन शीर्षक पर भी अधिक खेद होता है। उपयुक्त कथन किसका था, तो मेटलैंड का ये कथन था। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन कि किसके अनुसार राजनीतिक शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन करता है। तो राजनीतिक शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन करता है, ये विचार थे लीको के। नेक्स्ट है, किसके अनुसार राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। तो ये है गार्नर के विचार। किसने कहा है कि राजनीतिक शास्त्र की वह विज्ञान है जिसके द्वारा सभ्यता की रक्षा की जा सकती है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि राजनीतिक शास्त्र ही वह विज्ञान है जिसके द्वारा सभ्यता की रक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है किसके अनुसार है। तो हीगल ने कहा है कि राज्य क्या है, पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार राज्य परिवार एवं ग्रामों का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो अरस्तू के हैं विचार। नेक्स्ट है, राजनीतिक विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण का विषय क्या है। तो राजनीतिक विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण का विषय है राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन। नेक्स्ट है कि किस विद्वान का उद्देश्य एक मानववादी राजनीतिक विज्ञान विकसित करना है। तो कौन से विज्ञान का उद्देश्य मानववादी राजनीतिक विज्ञान विकसित करना है, तो सीबी मैकफर्सन है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक उपागम है व्यवहारवादी उपागम। राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक उपागम होता है व्यवहारवादी उपागम। नेक्स्ट है, सर्वोदय एकादश महाव्रत एवं न्यायशीता संबंधित है। तो सर्वोदय एकादश महाव्रत एवं न्यायशीता संबंधित है गांधी चिंतन से। नेक्स्ट है कि अमेरिका का वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसे राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी अध्ययनों का गढ़ माना गया है, तो शिकागो। नेक्स्ट आता है कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन हेतु अंतःशास्त्रीय उपागम पर बल देने वाला विद्वान कौन है, तो चार्ल्स मेरियम है। नेक्स्ट आता है कि आधुनिक समय में परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की परंपरा को जीवित रखने वाले विचारक कौन है, तो लियो स्ट्रॉस और माइकल ओक शॉर्ट है। आधुनिक समय में परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की परंपरा को जीवित रखने वाले विचारक, तो लियो स्ट्रॉस और माइकल ओकशॉर्ट। नेक्स्ट है, परंपरागत दृष्टिकोण का लक्षण क्या है। तो परंपरागत दृष्टिकोण का लक्षण है मूल्य आधारित आदर्श आधारित अध्ययन। परंपरागत दृष्टिकोण का लक्षण क्या है, दोबारा रिपीट किया मैंने इसको कि मूल्य आधारित और आदर्श आधारित अध्ययन।
नेक्स्ट है, राजनीतिक विज्ञान में खेल सिद्धांत के प्रयोग करता है, तो राजनीतिक विज्ञान में खेल सिद्धांत के प्रयोग करता है डंकन लूश, हार्वर्ड राइफर व एना होल रेपोपार्ट। मेवाड़वादी क्रांति के पश्चात राजनीतिक विज्ञान किस विषय के अधिक निकट आया, तो मनोविज्ञान के अधिक निकट आया। नेक्स्ट है कि किस विचारक के ने राजनीतिक विज्ञान के व्यवहार के अध्ययन में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को आवश्यक माना, तो ग्राहम वालेश हैं उन्होंने। द करंट मीनिंग ऑफ द बिहेवियरलिज्म के लेखक कौन है, तो डेविड ईस्टन है, द करंट मीनिंग ऑफ द बिहेवियरलिज्म। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि 1882 में रचित लेक्चर ऑफ जुडी जूरिस प्रोडिनेंस के रचनाकार कौन है, तो ऑस्टिन है। नेक्स्ट है कि शासन में आदेश देने की सर्वोच्च शक्ति को कहा जाता है, तो शासन में आदेश देने की सर्वोच्च शक्ति को हम कहते हैं संप्रभु। नेक्स्ट है कि रूसो समर्थक था, रूसो किसके समर्थक थे, जन संप्रभुता के समर्थक थे। नेक्स्ट है संगठित लोकमत ही लोकप्रिय संप्रभुता है, यह कथन किसके हैं, तो ये गार्नर के कथन है। नेक्स्ट है कि प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया था, तो प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किया था बोंदा ने। नेक्स्ट है समाज का स्वरूप संघीय होता है, सत्ता को भी संघीय होना चाहिए, यह कथन किसके हैं, तो ये कथन है लोस्की का। नेक्स्ट है कि अरस्तु के अनुसार वैधता का आधार है, तो अरस्तु के अनुसार वैधता का आधार होता है कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो के अनुसार वैधता का आधार क्या है, तो प्लेटो के अनुसार वैधता का आधार है न्याय की भावना। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में वैधता का आधार क्या होता है, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में वैधता का आधार होता है जनमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति एक प्रकार का मानवीय तत्व है, यह कथन किसका है, तो कार्ल जे फ्रेडरिक के है, व्यक्ति एक प्रकार का मानवीय तत्व है। नेक्स्ट है कि वैधता का अंग्रेजी शब्द लेजिटिमेसी किस भाषा से उद्गत है, तो लेजिटिमेसी है लेटिन भाषा से उद्गत। पॉलिटिकल पावर किसकी रचना है, तो चार्ल्स मेरियम की है पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल हु गेट्स व्हाट एंड हाउ किसकी रचना है, तो लॉसवेल की रचना है ये। नेक्स्ट है कि 19वीं शताब्दी में किसने संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो जॉर्ज ऑस्टिन ने किया था। नेक्स्ट है कि संप्रभुता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो बोंदा ने किया था। राज्य का आधारित शक्ति नहीं इच्छा होती है, यह कथन किस का है, तो यह कथन है ग्रीन का। इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कि दोबारा आप देखेंगे तो ये पता लग जाएगा कि ये विचार किसके हैं, तो एक बार इसको दोबारा देख लेना आप। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा होती है, यह कथन किसका है, तो ये ग्रीन का है। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की कटु आलोचना किसने की है, तो ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की कटु आलोचना की है सर हेनरी मेन ने। लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया, तो रूसो ने दिया। नेक्स्ट है संप्रभुता विधि के द्वारा भी निलंबित नहीं है, क्योंकि विधि संप्रभुता ही संज्ञा है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है हॉब्स का। नेक्स्ट है कि किस समकालीन विचारक ने प्लेटो को खुले समाज का शत्रु कहा है, तो कार्ल पॉपर ने कहा है। अरस्तु राज्य के लिए किस यूनानी शब्द का प्रयोग करता है, तो अरस्तु है वो राज्य के लिए क्वाइनिश नेनिया का शब्द का प्रयोग करता है। सेबाइन ने होब्स के राजनीतिक दर्शन को क्या कहा है, तो सेबाइन ने होब्स का जो राजनीतिक दर्शन है उसको कहा है वैज्ञानिक भौतिकवाद। नेक्स्ट है कि लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी शांति और तर्क का काल थी प्राकृतिक अवस्था। फ्रांसीसी क्रांति की सर्वाधिक प्रेरणा किससे मिली, तो रूसो से मिली। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो रॉबर्ट ओवन ने सबसे पहले समाजवाद का क्या किया है, प्रयोग किया है। यूटोपिया सब किसकी रचना है, तो इसको उथोपिया भी बोलते हैं, उटोपिया भी बोलते हैं, इटोपिया भी बोलते हैं, तो ये किसकी रचना है, तो आप इसको ऐसे याद रख लें, UTOPIA, ये रचना है थॉमस मूक की। नेक्स्ट है कि भारत का मैकियावेली कहा जाता है, तो भारत का मैकियावेली कहा जाता है कौटिल्य को। गांधी विचारक के रूप में किस श्रेणी में रखे जा सकते हैं, तो अराजकतावादी। यूटिलिटरेनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, ये पुस्तक का नाम है यूटिलिटरेनिज्म, पुस्तक है स्टुअर्ट मिल की। सुखवादी मापन यंत्र का संबंध किस विचारक से है, तो बेंथम से है। मैं और भाई जुड़वा भाई हैं, यह कथन किसका है, तो ये होब्स का कथन है। समुदायवाद का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो ग्रीक को माना जाता है समुदायवाद का अग्रदूत। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन
कि पश्चिमी दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो पश्चिमी दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है अकादमी को। नेक्स्ट है, प्लेटो ने दार्शनिक राजा की सिफारिश की थी। सुशासन के लिए प्लेटो ने दार्शनिक राजा की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, निर्धनता व अपराध क्रांति की जननी है, यह कथन किसका है? तो निर्धनता व अपराध क्रांति की जननी है, यह कथन है अरस्तू की। नेक्स्ट है, हिंदू राज शासन व्यवस्था पर आधारित सबसे प्राचीन कृति है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है कि होब्स के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन है राजतंत्र। नेक्स्ट है कि रूसो की प्रकृति का शिशु किसने कहा है? तो रूसो को प्रकृति का शिशु कहा है मैक्सी ने। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कब की? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी 1868 ईस्वी में। बाकी के हम पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।